हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज मैं दूंगा एक स्मार्ट कीड़ा का मॉक, IBBS PO का मॉक नंबर 5। ये मुझे एक कमेंट सेक्शन में हमारे भाई हैं एस्पिरेंट बैंकिंग एस्पिरेंट सुधाकर, उन्होंने कहा है कि मॉक नंबर 5 दीजिएगा आप, तो मैं आज वो दूंगा। और उन्होंने कहा है कि इंग्लिश भी आप थोड़ा एक्सप्लेन करके करिए। तो हालांकि टाइम इतना मिलता नहीं है, क्योंकि 20 मिनट में करना भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैं बोल सकूँ, समझा सकूँ, मैं करूँगा और मैं करूँगा, है ना। तो विदाउट एनी फर्दर एडू हम शुरू करते हैं IBBS PO प्री। क्या हो गया भाई, साइट नॉट रीच्ड। मॉक नंबर 5, मॉक नंबर 4, 5, तो ये वाला। ठीक है, शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम, आरसी बात में करूँगा। ईच नीड्स टू बी फिल्ड विद अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, इन द पास्ट देर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर द यू हैज इम्पोज्ड स्टैंडर्ड्स मोर डैश देन द WTO, डिस्पाइट मोस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स फॉलो ऑल रूल्स फॉर एक्सपोर्ट कम्युनिटी। मोस्ट इम्पोज्ड स्टैंडर्ड्स मोर क्या होगा, मोर रिगरसली, मोर स्ट्रिंजेंट, तो इम्पोज्ड स्टैंडर्ड्स मोस्ट स्ट्रिंजेंट देन WTO, डिस्पाइट मोस्ट। In the past, there have been instances where EU has imposed standards more stringent, strict होगा, more strict than WTO, है ना। तो इसमें आपको एक तो मीनिंग पर फिट बैठना चाहिए ब्लैंक में, और उसका फॉर्म भी मोर क्या, मोर स्ट्रिंजेंट यानी एडजेक्टिव आएगा, और यहाँ rigorously है, ये एडवर्ब आ गया, तो एडजेक्टिव हम यूज़ करेंगे यहाँ। इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी ऑफ वन कपल कैन हैव 3 children एंड सपोर्टिंग डैश आर कंड्यूसिव टू इम्प्रूविंग चाइनाज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, कैन हैव 3 children एंड सपोर्टिंग मेजर्स आर कंड्यूसिव टू इम्प्रूवमेंट, सपोर्टिंग मेजर्स ही होगा, सपोर्टिंग स्टेप्स। इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी ऑफ वन कपल कैन हैव 3 children एंड सपोर्टिंग मेजर्स आर कंक्लूसिव, मेजर्स ही आएगा इसमें। अब इसमें हम मीनिंग वाइज सही बैठ रहा है, सपोर्टिंग मेजर्स, मेजर्स जो सपोर्ट कर रहे हो। पीपल मेक रिलेटिवली गुड डिसीजंस व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ लॉट एट स्टेक एंड एट वेरी लीस्ट दे रीजन थ्रू द प्रॉब्लम केयरफुली इवन इफ दे डू नॉट ऑलवेज रीच द डैश रिजल्ट। कैसा रिजल्ट, फिजिबिलिटी नहीं, एडजेक्टिव आएगा, अप्रोप्रिएट रिजल्ट हो सकता है। इवन इफ दे डू नॉट रीच द ऑप्टिमल रिजल्ट, डेस्टाइंड रिजल्ट नहीं होता, अप्रोप्रिएट ठीक लग रहा है। दे रीजन थ्रू द प्रॉब्लम केयरफुली इवन इफ दे डू नॉट ऑलवेज रीच द ऑप्टिमल रिजल्ट, ऑप्टिमल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। इन ए रिलेटिव स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम द स्लेव पॉपुलेशन रोज फ्रॉम फ्यू थाउजेंड्स टू मिलियंस मेकिंग देम ए सीरियस threat to the internal safety of the state, especially to the dash Romans, elite Roman hoga. Stalwart ka meaning bhi wahi hota hai, aur aristocracy to the dash Romans, stalwart Romans, elite Roman jyada hai. Ye aristocracy nahi aa sakta kyunki iska form sahi nahi hai, adjective chahiye, या तो एरिस्टोक्रेट रोमन्स होता। एलीट का मीनिंग होता है हाई, मतलब अच्छे पावर का शाही, और स्टॉलवर्ट का मुझे जहाँ तक लग रहा है सेम यही होता है, बट आई विल गो विद एलीट। ठीक है, फ्रॉम सिक्योरिंग इनफ सप्लाई टू डैश टू एनेबल द फास्टेस्ट एंड लार्ज वैक्सीन रोल आउट, येट ए सब्सटेंशियल सपोर्ट इज क्रिटिकली नीडेड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। From securing enough supply to enable the fastest and large machine, to enable the fastest and largest,
fastest and the large volume rollout yet, to enable the fastest, from securing enough supply to enabling, पहली बात तो enabling आएगा, we verb ing form में आएगा, from securing to enabling, parallelism maintain करना है, parallelism कैसे, from securing to dashing, मतलब from verb ing to plus v plus ing, यानी to enabling the fastest and largest vaccine, to enabling the fastest and largest, to enable नहीं, ये आएगा, to enabling the fastest and largest vaccine rollout yet, ये ठीक है. In the US, there is fears that expansion fiscal and monetary policies could lead to overheating. There is fear आएगा पहली बात तो, अगर is है तो singular आना चाहिए, और fears है तो R होगा. There are fears that expansionary fiscal and monetary policies, that expansion fiscal, fiscal को represent करने के लिए adjective चाहिए, ये noun है expansion, तो expansionary होगा. There are fears that expansionary fiscal and monetary policies, if the government sticks to its guns, we will get through this economic crisis and we shall be prosperous again. क्या पूछा है? Select the option to replace the bold. ठीक है. If the government agrees to suppress the नहीं. If the government refuses to change its name, it continues to badmouth the opposition, begins paying attention and listening carefully to the policy maker. ये ठीक लग रहा है. अगर government attention देती है और सुनती है policy maker की, तो फिर हम economic crisis से बढ़ सकते हैं आगे. तो ये है नहीं. The lucrative contract with television means that England's wealthy football clubs will now be laughing all the way to the bank. Laughing नहीं होगा. Will now be taking a break to relax and regain, नहीं, making a lot of money very easily, ये होगा. ये idiom है, idiom के हिसाब से हमें sentence को पढ़ के उसका meaning सही बिठाना है. The bureau plans to release redistricting data from 2020 decimal count all at once, unlike in past census years when data for different states were rolled out on different dates, all at once, unlike previous years, installments, नहीं, simultaneously and not in installments as planned, in one go, not like the past census year, ये ठीक है, from count in one go, all together since we were done, ये है सही, see. ये है आपका पीजे, हम बाद में करेंगे इसको. मैच द फॉलोइंग, इसमें ग्रामेटिकली और मीनिंगफुल दोनों तरफ से देखना है. ह्यूमंस माइट नॉट हैव द ग्रेटेस्ट स्निफर्स इन द एनिमल किंगडम, बट वी आर शार्पर देन वी माइट थिंक. किंगडम अनयूजुअल नंबर ऑफ पेशेंट, नहीं, पहला कहीं से भी नहीं है. स्मेल डाइफंक्शन इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम रिपोर्टेड बाय पार्किंसन patients even before they begin to experience motor related symptoms. Reported by Parkinson patients होगा, BE, एक ये भी है एक ये भी है, तो हमें AD और चेक करना पड़ेगा. Humans might not have the greatest sniffers in the animal kingdom, but we are sharper than we might think. हो सकता है क्या? नहीं, पर सूंघने की बात हो रही है, फिर शार्पर, हाँ ये भी सही है. इन द अर्ली 2020 ईयर नोज एंड थ्रॉट डॉक्टर्स अराउंड द वर्ल्ड सॉ ए अनयूजुअल नहीं आएगा, तो ADBE. द एलोकेशन ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट्स टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स इज ऑफन सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस विच कैन लीड इन टू करप्शन. AF है, AF लग रहा है, AF दो है, तो BD चेक करते हैं. द एक्सपेक्टेड बूस्ट टू इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू हायर गवर्नमेंट स्पेंड मे ऑल्सो नीड टू बी वेड अगेंस्ट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट.
The expected boost to the economic activity due to higher government spend may also need to be weighed against the opposition. हाँ ये भी सही लग रहा है, यानी बी डी और ए एफ. इफ द गवर्नमेंट मेयरली सीड्स कंट्रोल ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज टू प्राइवेट कंपनीज विदाउट टेकिंग स्टेप्स टू फॉस्टर ग्रेटर कंपटीशन इट कैन इंडीड लीड टू पुअर आउटकम्स फॉर कंज्यूमर. सी ई भी सही लग रहा है. क्या पूछा है इसमें, फॉलोइंग पेयर मैच कर रहे हैं तो सी ई है ऑप्शन में. इफ द गवर्नमेंट मेयरली सीड्स कंट्रोल ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज टू प्राइवेट कंपनीज विदाउट टेकिंग स्टेप्स टू फॉस्टर ग्रेटर कंपटीशन इट कैन रियली लीड टू पुअर आउटकम्स फॉर कंज्यूमर. बी एफ टैक्स ए एफ भी में एलोकेशन ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट टू द प्राइवेट इन्वेस्टर्स इज ऑफन सब्जेक्ट टू इफ ऑफन सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस विच कैन लीड इनटू करप्शन. ए एफ भी ठीक लग रहा है, फिर सी ई भी ठीक लग रहा है, बी डी. द एक्सपेक्टेड बूस्ट टू इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यू टू हायर गवर्नमेंट स्पेंड बी स्पेंड मे ऑल्सो नीड टू बी वेट अगेंस्ट द. इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको मार्क फॉर रिव्यू. पहले क्लियर करो फिर मार्क फॉर रिव्यू. एवरीबडी हैज़ वर्कड हार्ड एट द साइट एंड द किलाडी फाइंडिंग्स एस्टेब्लिश्ड द एक्जिस्टेंस ऑफ सिविलाइजेशन ओल्डर देन संगमाइरा. ए एफ डेफिनेटली है, और ए एफ के साथ बी डी भी है. विद 6 वीक्स लेफ्ट टू वाइंड अप द 7th फेज ऑफ एक्सकेवेशन एट क्लियरली अगर साइड द प्लेस इज अबस विद एक्टिविटी. ये दोनों ही हैं. क्या है ये, चूज द ऑप्शन इन विच यूसेज ऑफ वर्ड इज इन अप्रोप्रिएट. डिसेंट द इंटेलेक्चुअल एंड डिसेंटिंग वॉइसेस हैव बीन प्लंडर्ड टू ग्रेट एक्सटेंट कंपेयर टू द टाइम बिफोर द राइज ऑफ. डिसेंटिंग नहीं, यहाँ अपोजिट मीनिंग. एक ही इशू ऑफ सेफ्टी इन आर क्राउडेड स्काईज एज द लेवल ऑफ एयर ट्रैफिक हैज स्लम्प्ड सिंस द पेंडेमिक डिसेंटेड. ये छोड़ो, ये बड़े वो हैं. वी म्यूज का मीनिंग मुझे नहीं पता, कुछ जाने दो. प्रोपेल, वन ऑफ हेनरीज फेवरेट थिंग्स टू डू इज प्रोपेल द हाउस बिफोर डॉन एंड गेट सम बेकन फ्राइंग ऑन द ग्रिडल. प्रोपेल द हाउस. He learned how to jump in front of gusher and let it propel him halfway across the street. Critics said the legislation aims to disenfranchise voters who helped propel Biden to California. Fire season reaches peak in late summer and fall, further propelled by strong winds. हाँ ये तो सही है. अगर इसमें गाइस आपको मीनिंग पता हो तो ही आप करिए. तो मुझे तो इसमें प्रोपेल का मतलब होता है स्टार्ट करना, एंड लेट इट प्रोपेल हिम हाफ वे सही है. वो हेल्प प्रोपेल बाइडेन, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा. प्रोपेल द हाउस बिफोर. सी पी आई क्या है, इसमें क्या करना है मुझे. कैन कैरी फॉरवर्ड द गिवन पार्ट ऑफ सेंटेंस इन द मोस्ट लॉजिकल वे. ओके, CPI is most relevant index for consumer as it shows the increase in their actual outgo but it is not a completely accurate cost of living index indicator since it focuses on certain goods and services more than others. It shows the increase in the actual outgo. CPI hota hai consumer protection, kya hota hai iska full form jaane to isko. ऑनलाइन ब्यूटी रिटेलर नायका विच वॉज लॉन्च इन 2018 एंटर द यूनिकॉर्न क्लब रिसेंटली एंड इज बेटिंग बिग ऑन फैशन. ठीक है, ये इज कैपिटलाइजिंग ऑन द ट्रेंड ऑफ ऑफलाइन फैशन रिटेलर्स ट्राइंग टू सेल देयर इन्वेंट्री ऑनलाइन एज कस्टमर फ्लॉक टू शॉप. ऑनलाइन ब्यूटी नायका करंटली लिड्स मोर देन एक्सपेक्ट टू हैव 200 मोर बाय 13. तो सही लग रहे हैं. Beauty retailer Nykaa, which was launched in 2018, is capitalizing on the trend of offline fashion retailers
trying to sell their inventory online as customer flocked. सारा ही सही लगता है, अब देखते हैं क्या होता है। अब हम करेंगे, कहाँ गया आरसी था ये, पहले हम करेंगे वो वाले सिंगल लाइनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट वर्ड चार्ज्ड, चार्ज्ड का अपोजिट होगा इंटरेस्टेड, बर्डन, एब्सॉल्ड, एनकम्बर्ड। पता नहीं इसका मीनिंग। गेजेस ये पढ़ेंगे जब पता चलेगा, चलो मैं पढ़ता ही हूँ, ज़्यादा टाइम है नहीं। फिर अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस बिहाइंड इकोलॉजिकल चेंजेस इन अमेजॉन रिवर बेसिन। विच इज डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक पोल्यूशन। इज लूजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ सरफेस, मैसिव डिफॉरेस्टेशन, हाइड्रो पावर डैम्स, क्लाइमेट चेंज। आर किलिंग अमेजॉन एंड डिस्ट्रॉइंग, ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन और क्या है, क्लाइमेट चेंज। 1-3। अकॉर्डिंग टू पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर आर डिपेंडेंट ऑन अमेजॉन, ठीक है, कैरिड आउट बाई इतना एंड इतना एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट विद द सपोर्ट ऑफ इतना। द स्टडी टाइटल लॉन्ग टर्म एनुअल सरफेस चेंज इन पोटेंशियल लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर रिवील्स दैट अमेजॉन इज लूजिंग एच मच इतना सरफेस फ्रेश वाटर एवरी ईयर। इट टुक द रिसर्चर 33 ईयर्स टू कम अप विद एनालिसिस ड्यूरिंग विच दे रिलाइड ऑन इमेजेस फ्रॉम लैंडस्लाइड सेटेलाइट्स एंड द मोस्ट विजिबल साइंस ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन आर फाउंड इन द डिपोजिशन आर्क इन सदर्न अमेजोन एंड द एरिया वर्स्ट अफेक्टेड आर द लगूनस एंड फूड प्लेन्स दैट फॉर्म फ्रॉम द एब एंड फ्लो ऑफ वाटर। दिस लॉस हैव इम्पैक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स, फिश, टर्टल्स एंड मैनी अदर स्पीसीज दैट डिपेंड ऑन दिस साइट। दीज आर द क्रेडल्स ऑफ लाइफ इन द अमेजोन। रिसर्च फील दैट वॉट नीड टू सेव द रिवर इज सच माइक्रो प्लानिंग which not only gauges the impact of larger structure but also cumulative impact of thousands of small projects that can affect it. Amazon River and Service to Community such as supplying water for supplying water to local population for animal husbandry and agriculture production and livestock raising. It is also responsible for food security and tourism, animal husbandry, tourism, wild catch and aquaculture resources. ये नहीं दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, लाइफ स्टॉक का दिया हुआ है। एज पर द पैसेज द स्टडी डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, अच्छा ये तो यहाँ था। गूगल अर्थ इंजन सपोर्ट एज अ पार्ट ऑफ मैप बायोमास प्रोजेक्ट विद द सपोर्ट ऑफ गूगल अर्थ इंजन द स्टडी एंटाइटल लॉन्ग टर्म इन द प्रेजेंट reveals only one hai kya exclusive research of river basin images from Landsat satellite, ye bhi kahin padha tha maine. So as a part of and with the reviews it now which they relied on images from land satellites collected new data processing technology and dedicated research. So 1 and 2, the study depended on which of the following factor, the carried out itna as a part of a project with the support of Google search engine. Yaar 1 2 nahi hai kya, तो फिर तो तीसरा भी होना चाहिए, एक्सक्लूसिव रिसर्च ऑन रिवर बेसिन भी होगा फिर। इमेजेस ऑफ लैंडसैट सैटेलाइट फ्रॉम लैंडसैट कलेक्टेड न्यू डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंड डेडिकेटेड। जब 1 2 नहीं है तो ऑल 3 कर देता हूँ। 1 2 गूगल साउथ इंजिन तो है, ट्रू वाले छोड़ो अभी टाइम नहीं है। चार्ज्ड अपोजिट मालूम नहीं था इसका। गेजेस तो पढ़ा था ना, विच नॉट ओनली गेजेस द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल। फील दैट व्हाट्स नीडेड टू सेव द रिवर स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट माइक्रो प्लानिंग विच नॉट ओनली गेजेस द इम्पैक्ट कम करना विच ओनली बट ऑल्सो तुम्हारी इम्पैक्ट बट ऑल्सो तुम्हें इम्पैक्ट थाउजेंड्स ऑफ
मेजर्स या एस्टिमेट जो करेक्ट रिगार्डिंग अमेजोन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इज अमेजोन एंड फॉर द होम आगे पढ़ना पड़ेगा इसमें. अमेजोन इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ. तो लॉन्गेस्ट कैसे हो गई, नहीं. अमेजोन रेन फॉर इज होम फॉर मोस्ट इंडिजनस ट्राइब्स नेक्स्ट टू द नाइल. हाउ एवर बोथ द लेंथ एंड इट्स अल्टीमेट सोर्स हैव बीन सब्जेक्ट टू डिबेट सिंस देयर हैज दोज़ हू क्लेम अमेजोन इज लॉन्गर देन नाइल. अबाउट 20% ऑफ फ्रेश वाटर एंटर्स द ओशन फ्रॉम अमेजोन सोलो मोस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड. But with the fate of indigenous tribes becoming uncertain, the health of river is also showing rapid decline. Amazon is home for. हाँ ये दो तो सही है. दो के साथ क्या होगा, दो के साथ तीन ही है, दो के साथ एक भी है. लॉन्गेस्ट तो नहीं है, यानी वन हटाओ तो टू थ्री. पढ़ा नहीं है मैंने गाइस, मैंने ऐसे ही कर दिया ये टू थ्री. लगून से मोस्टली अफेक्टिव है, ये तो लिखा हुआ था कहीं. नहीं होता है गाइस, एक्सप्लेन करते हुए जाए ना तो अटेम्प्ट कम हो पाते हैं फिर. चलो आपको जो भी है काउंट करते हैं. फोर्टी यानी 85 80 40 और 2 तो 10 और 8 तो 10 और 20 और 4 नहीं 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 16 माइनस 5 ठीक है तो 16 और 5 क्या वो पेन क्यों नहीं चल रहा. और ये है 198. अच्छा ऐसे जाएगा 6 3 ज़ा 18 6 3 ज़ा यानी 3 11 6 18 और ये करें तो नहीं 311 329 9218 इससे भी नहीं हो रहा तो 22 और 9 31 तो माइनस 22 और 9 और हमें 2 से और मना करना है 44 और 18 वाई इज ग्रेटर 45 यानी 335 एंड 3 15 और 9 24 तो 15 और 9 9 11 और 2 22 और 1 है प्लस 22 माइनस 1 तो माइनस 22 और 1 और इसमें 3 और करना है यानी माइनस 66 और 3 ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा एक्सिस बड़ा 80 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 8 ये 16 और 5 2 और 8 10 20 28 नहीं है 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 ज़ा 16 और 10 26 तो माइनस में जाएंगे और 10 से मल्टीप्लाई भी होगा और है 100 25 इंटू 4 माइनस प्लस 25 माइनस 4 तो 25 माइनस में और 4 प्लस में तो ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा ये बड़ा भाई इस बड़ा वन ज़ीरो फोर 13 एट सफ 104 और 216 तो माइनस 16 प्लस 13 तो 16 16 13 13 95 5 3 ज़ा 15 5 9 ज़ा 13 3 और 5 13 और 15 28 तो माइनस 13 ये बड़ा एक्सिस बड़ा एक्सिस बड़ा साइन बराबर लिए ना मैंने नहीं लिए 13 माइनस है यानी इक्वल एक्सिस इक्वल और ये बड़ा 13 और 5 माइनस 13 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 13 13 5 माइनस में
और ये है 13, ये 17, 3 से 51 और 5, तो 17 और 15 कर लें तो 32 हो जाएगा, तो माइनस का 17 माइनस का 15, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये क्या है, यहाँ खाली क्यों है इस साइड, व्हाट इज द डिफरेंस, ये मार्क फॉर रिव्यू, कॉस्ट प्राइस ये बाद में करेंगे हम, ये रहे ना, ये करने चाहिए गाइस पहले, ये हो जाएगा 192 इंटू 5 10 45 6 4 960 और 00 माइनस 87 15,000 का, 87 का क्या होता है 30, 1 मिनट, 100 माइनस करूँ 87.559 में से ये 29 12.5 यानी 1/8 का अपोजिट 7/8 है, तो 8 से 125, 25 इंटू 15 तो होगा आपका 105 और 125 यानी 0 105 0 10 2 25 5 10 11 3 13 960 में से 13 125 7 5 9 में से बन गया 8 2 8 8 2 8 5 समथिंग, ये रहा 8 2 8 7 5, फाइव फोर थ्री माइनस 4 5 2 माइनस 3 2 4 ये 18 और ये 100 का 10 मान लेते 180 हो गया, माइनस 31 इज इक्वल टू 3x, तो 180 दो 13 5 6 और एक 31 यानी 663 माइनस करो, माइनस में जाएगा क्या ये 5 4 3 0 2 / 3 यानी माइनस 40, ये है 4.8 कर लूँ क्या, 4.8 कर लेता हूँ, अच्छा आगे वो है मल्टीप्लाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा 120 तो ये हो गया, प्लस 3 × 2 1 1 6, अब ये किसके हैं, ये 2 1 1 6 होता है 6 और 3, 4 का 16 5 का 4 5 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 हो जाएगा, तो 4 का 20 बड़ा है 46 है, ये 46 इंटू ये होता है 29 का होता है ना, डिवाइड बाय 23, तो ये 2 से यानी 6 से करो 120 और 54 174 और 120 4 9 2 294, ये 15 का क्यूब है, ये 13 का 13 15 28 का क्यूब, 28 का स्क्वायर होता है 784 और 28 लास्ट में 2 आना चाहिए, नन ऑफ दीज भी है, यानी रुको मैं कर ही लेता हूँ, 0 8 16 14 15 और 2 3 64 प्लस 3 7 56 62 15 8 9 952 लास्ट में आएगा, ये है आपका 1 3 7 8.25 प्लस 1 5 2 0 1 5 2 0.75 0 0 1 9 9 8 2 8 9 9 डिवाइड बाय 5 7, नहीं ये होगा 5 7 8 9 8 0 डिवाइड बाय 2 8 9, ये इसका 4 गुना है क्या, 8 नहीं 4 गुना नहीं 2 गुना है 18 2 टाइम्स यानी 20, ये हो गया, चलो अब हम करेंगे हाँ आरसी, अरे सॉरी
बायका शो द नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट इन इतना, और ये है लैंग्वेज परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ठीक है, इसको बना देता हूँ मैं। ए बी सी डी ई एंड एफ, थाउजेंड में है तो ए में है 4,000 टोटल, बी में 1,500, सी में 3,000, डी में आपके हैं 2,500, ई में है 4,500 और आपके इसमें है 3,500। गर्ल्स का रेशियो है आपका 40% हैं 40%, तो बॉयज़ होंगे 60%, यानी 2 और 3 5 में डिवाइड करें तो हम तो 800 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये गर्ल्स 1,600 हैं और 8 यानी 2,400 ये हो गए, तो 3 4,000 हो गए। फिर है बी में 45% गर्ल्स हैं तो 55 ये हैं, 5 9 ज़ा 5 11 ज़ा, तो 20 75 से जाएगा, तो 75 × 9 और 11 × 75 बॉयज़ हैं। फिर है आपका सी का है 25% और ये 75, 3:1 4 से जा रहा है, तो 125 नहीं 3,000 × 4 तो 1,500 और फिर आधा 750, तो 750 × 1 और 750 × 3। फिर है डी का है 40, तो ये 60% ऑफ गर्ल्स ही बोला है ना, हाँ 3:2 यानी 5 है, यानी 500, 500 × 2,000 500, 1,500। फिर है आपका ई में है 30%, तो ये 7 10 की वैल्यू ये है, 10 है तो 140 × 3 और 450 × 7। फिर है आपका एफ में है 35 और 65, 5 13 ज़ा नहीं 5 7 ज़ा 5 13 ज़ा, 20 की वैल्यू ये है 350, 2 का होगा 150 और 25 175 से जाएगा, 175 × 7 और 135 75 × 13। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ, अरे यार ये हो जाएगा 1,600 और ये हो जाएगा आपका 630 और 45, ये होगा 75, ये होगा 1,000, ये होगा 0 15 12 13 और ये है 175 × 7 5 3 49, तो 50 51 52 5 1,225, 5 5 10 8 13, 13 और 5 18 19 20 2 कैरी 12 13 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 2 3 4 5 6, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 1,100, 1,100 हैं टोटल। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ई, ई में हैं आपके 1,350 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन डी। ठीक है, 1,350 अपॉन 1,500, 5 3 5 2 5 7 3 10 3 9 90%। विच स्कूल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज़, अच्छा तो 2,400 ये इसका करना पड़ेगा मुझे, 280 और 35 यानी 1350 है, 3150 ई का है, 175 × 13 और कर लेता हूँ 175 और 15 21 2, 5 5 7 2, 2 2 7 5 है इसका, तो अभी तक तो मुझे 2 2 5 0, अभी तक तो मुझे ई का ज़्यादा लग रहा है, ई है ए, ए के 2,400 हैं, बी के हैं 7, ये तो और कम है ना, तो 5 और 5
8 5 8 5 है, 8 to 5 है, बी का नहीं है, सी का 2250 नहीं, डी का 1500, ई का है, नन ऑफ दिस है, मतलब सारे गिनने हैं मुझे. व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज इन सी टू डेट ऑफ ई, 415 to 7, तो 0 0 5 9 5 15 3 3 3 4 3 5 5 to 7 है. व्हाट इज द डिफरेंस इन कंबाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन डी ई एफ तो होगा 5 7 5 2 और 3 5 7 5 एंड कंबाइंड नंबर बॉयज एंड ए बी सी 2400 2250 और ये था 8 to 5 5 7 10 1 14 5 3 5 7 5 0 0 1 2100 ये हो गई. अब क्या था, एक ये भी बची थी ना, ये पता नहीं क्या था इसमें. हाँ, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट सिक्स डिफरेंट प्लेसेस ऑन 5 different days. ठीक है, इतने सारे लोग हैं, कहीं एवरेज ना पूछ ले ये. व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एवरेज नंबर ऑफ विजिटर टू ताजमहल, ताजमहल में कितने हैं, 5 7 8 9 10 11 11 और 5 16 1 कैरी 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12 एवरेज नंबर 1 2 3 4 5 से डिवाइड होगा. एंड एवरेज नंबर ऑफ हम्पी, हम्पी के कितने हैं, 8 और 5 13 13 और 8 है 21 21 और 4 25 यानी 5 2 कैरी, तो 11 11 और 6 17 17 और 4 21 21 प्लस 5 25 और 2 कैरी 26 27 2 कैरी और होगा, और 2 9 10 11 11 5 16 16 और 5 21 21 और 6 27 डिवाइड बाय 5 तो 1 2 6 5 0 1 5 1 डिवाइड बाय 5 5 2 2 10 302 कुछ गड़बड़ कर दी है, 2 2 3 0 2 3 0 4 होगा क्या पता. व्हाट इज द डिफरेंस द एवरेज नंबर विजिटर ऑन वेडनेसडे टू डेट ऑफ थर्सडे, बोलो वेडनेसडे टू डेट ऑफ थर्सडे, नहीं करूँगा मैं, टाइम लगेगा. एवरेज नंबर ऑफ विजिटर इन कोणार्क अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन रेड फोर्ट, कोणार्क इधर गया, चलो रेड फोर्ट का करता हूँ, 4 10 12 और 8 20 2 कैरी 10 19 20 21 22 23 2 कैरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रेड फोर्थ का है, और कोणार्क का कहाँ है, 5 5 10 1 कैरी 2 8 16 17 18 1 कैरी 10 18 19 20 21 22 23 24 और 25 बाय 5 तो कितना ज़्यादा है, 1 1 3 0 ज़्यादा है कोणार्क के, तो 0 5 4 1 4 5 0 ज़्यादा हैं 1130 से. इससे 100% से थोड़ा ज़्यादा है, यानी 111%. व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स गुलमर्ग इन गिवन 5 days टू द ताजमहल इन गिवन 5 days, एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स ऑफ ताजमहल का तो मैंने गिना था ना अभी, 1 2 6 5 और गुम्बस का कर लेते हैं, 2 5 ये तो हो गया 13 14 15 15 1 कैरी 10 20 30 3 कैरी 8 8 और 6 14 14 और 4 18 18 और 2 20 20 और 3 23 डिवाइड बाय 5 तो क्या पूछ रहा है ये,
कितने ज़्यादा हैं? एवरेज ऑफ द विजिटर नंबर्स, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर नंबर्स इन द गिवन 5 डेज एंड डेट ऑफ। अच्छा, एवरेज ही पूछ रहा है। तो 1, 2, 6, 5 और जोड़ो जो 7, 5, 3 डिवाइड बाई 5, 5, 7 ज़ा 5, 1 ज़ा 5, 5, 14 से 700। क्या बात हो रही है, ये नहीं आ रहा समझ में। ये क्या गलती हो रही है? एवरेज नंबर ऑफ विजिटर इन गोलबस, इसको एवरेज कर ही दूँ क्या मैं? तो 4 ज़ा 20, 6 ज़ा 1 ज़ा 416, तो ये हो गए। और इसमें हो गए 5, 2 ज़ा 5, 5 ज़ा 5, 3 ज़ा, ये हो गए। अब फिर से इनका निकालना है शायद। 4, 11, 8, 9, 9 का आधा 4, 8, 5, 7, 4, 7, 5, 3, 7, 5 होगा एवरेज नंबर। सॉरी बॉस, अब नहीं है टाइम, तो हम करेंगे अब रीजनिंग। रीजनिंग आ गई है, ये बाद में, वही बाद में, बाद में 8 पीपल वाले बाद में, डेटा सफिशिएंसी बाद में। देख लेते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ दो ही है यहाँ से। कंक्लूजन कौन सा फॉलो? अच्छा, एम से ओ, एम से सी, एम से एंड ले जाओ, तो एम से पी भी जाना है ना, एम से एंड, तो यानी ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। एम से एन, एन से ओ, ये ही होना चाहिए ग्रेटर देन, तभी ओ का सही बैठेगा। और ओ से फिर आपको पी पे भी जाना है, तो ये होगा, ये पहला वाला। बी से के, बी से टी, टी से आई एन ए, ए से के, पहला सही है। एच इक्वल टू एन, एच और एन, एच की जगह यहाँ एच लगा दूँ क्या? तो नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, ओनली वन फॉलोस। आर से ए, आर से बी एन चले जाओ, ए के लिए एफ पे जाना पड़ेगा, तो बी एन, बी से फिर आप कहाँ जाओगे? डी एफ, एफ से ए, हाँ पहला सही है। डब्ल्यू से ए, डब्ल्यू से बी डी एफ, एफ से ए, बी डी एफ, एफ से ए, नहीं ओनली वन। हाउस फ्लाई आर डोमेस्टिक, ये गाइस मैं लिख के करता हूँ एक्यूरेसी के लिए। फ्लाई ईट्स फॉर सर्वाइवल, हाउस आर नेसेसरी फॉर, आर ओमनिवरस ऑल्सो नेसेसरी, आर बी डी एक्स ओ आई एल ए, जेड बी पी एस ओ आई एम क्यू, टी वाई डी एक्स जेड बी एल ए, फिर है एफ बी टी वाई सी डी डी एक्स। फ्लाई आर क्यूरियस, फ्लाई आर क्यूरियस, फ्लाई है ओ आई, आर है आपका डी एक्स, क्यूरियस, क्यूरियस तो अलग नया वर्ड होगा, तो डी एक्स ओ आई आर बी, आर वी तो है ना, नहीं, डी एक्स ओ आई जी टी, जी टी। नेसेसरी ओमनीवरस, नेसेसरी का है आपका टी वाई, ओमनीवरस के एफ बी या सी डी हो सकता है, टी वाई सी डी, टी वाई एफ बी, यानी इधर ए और सी। आर बी एस डी, आर बी है आपका डोमेस्टिक, एस डी है आपका, एस डी कोई नया वर्ड है, और जेड बी है आपका फॉर,
तो हाउस नहीं, डोमेस्टिक फॉर फ्लाई तो दिया हुआ है, डोमेस्टिक फॉर सप्लाई. सर्वाइवल हाउस ईट्स. सर्वाइवल का आप कह नहीं सकते, PSNQ में से कुछ भी हो सकता है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड. सर्वाइवल 10 मेंबर्स, ये हम बाद में करेंगे. 10 मेंबर्स भाई, 8 पर्सन कहाँ से है ये? 10 मेंबर्स, स्क्रीनशॉट वाला, ये वाला. हाँ, एक क्वेश्चन तो नहीं है, दो तीन है ना. हाँ, ये करेंगे हम, नंबर जो भी है 90 वाला. ओनली आर्क, आर्क क्वार्क, ऑल क्वार्क आर आर्क, नो शार्क इज डार्क, सम बार्क इज आर्क, सम बार्क इज आर्क, ऑल शार्क आर बार्क, और नो शार्क इज डार्क. कॉमनली नोन क्या है पूछा है? एंटायर कंक्लूजन डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज. ठीक है, ऑल शार्क कैन बी आर्क, ऑल शार्क कैन बी आर्क, नहीं. ऑल बार्क कैन बी डार्क, ऑल बार्क कैन बी डार्क, नहीं. फ्यू डार्क कैन बी क्वार्क, फ्यू डार्क कैन बी क्वार्क, यस. मैं ये भी नहीं होगा क्योंकि ऑल क्वार्क आर ओनली आर्क. ऑल शार्क कैन बी आर्क, हाँ ये हो सकता है. ऑल शार्क कैन बी आर्क वन होगा. ऑल बार कैन बी डार्क, ऑल बार कैन बी डार्क, नहीं ये नहीं. ओनली वन फॉलोज, ओनली स्मॉल आर बिग, ऑल लॉन्ग आर लार्ज, ओनली फ्यू शॉर्ट आर लॉन्ग, सम लार्ज आर स्मॉल, सम लार्ज आर स्मॉल, ओनली ऑल लॉन्ग आर लार्ज से कुछ है क्या? ऑल लॉन्ग आर लार्ज, और लॉन्ग यहाँ आ गया. ओनली फ्यू शॉर्ट आर लॉन्ग, ओनली फ्यू शॉर्ट आर लॉन्ग, सम लॉन्ग कैन बी बिग, अब सम लॉन्ग कैन बी बिग, नहीं. फ्यू शॉर्ट आर स्मॉल, फ्यू शॉर्ट आर स्मॉल कह नहीं सकते. नो लॉन्ग इज बिग, नो लॉन्ग इज बिग, यस. ओनली 3. ऑल पीसीज आर मास्टर, ऑल माइंड्स आर मास्टर, नो चेस इज मास्टर, सम माइंड बींग पीसीज इज अ पॉसिबिलिटी, सम माइंड बींग पीसी, हाँ ये है. सम चेस बींग पीसीज इज अ पॉसिबिलिटी, सम चेस बींग पीसीज नहीं. नो चेस कैन बी माइंड, नो चेस कैन बी माइंड, यस. 1 एंड 3, ये नहीं करूँगा मैं, कुछ शर्म नहीं आई ये पूछते हुए ऐसा क्वेश्चन. इसलिए तो स्मार्ट किया हुआ टफ है. ठीक है, पजल. 8 पर्सन लिविंग 8-स्टोरेड बिल्डिंग, नॉन इंग्लिश, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1. ठीक है, 8 5 4 3 2 1. 8 7 8 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. थ्री पीपल लिव इन टी एंड बी, हु लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर. 1 2 3 टी. ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड क्यू. 3 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड एस. ठीक है, 1 2 3 एस. पी डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, पी ऑड पर है. पी लिव्स बिलो आर वाइल क्यू लिव्स बिलो डब्ल्यू. पी लिव्स बिलो आर वाइल क्यू लिव्स बिलो डब्ल्यू. क्यू लिव्स बिलो डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू ऊपर आएगा. आर के नीचे पी है, आर और एस बिठाते हैं पहले. आर 1 2 3 एस आ सकता है, आर 1 2 3 एस नहीं आ सकता. पहले केस में आर इधर है, एस इधर है. दूसरे केस में आर इधर है, 1 2 3 एस इधर है. और बोला है आर के नीचे पी है, तो आर के नीचे पी इधर आ जाएगा. और पी ऑड पर है तो ये गलत हो गया. तो आर के नीचे पी यहाँ आएगा,
और W के नीचे Q है, तो W यहाँ आएगा, जो बचा वो यहाँ आ जाएगा सेकंड पे। सेकंड फ्लोर पे कौन बचा है? U बचा है ना। हाँ U। हाउ मेनी पीपल लिविंग बिलो R? तो एक तो तीन छः सात लोग हैं। सम ऑफ द फ्लोर W एंड S, 6 और 4 10। पर्सनली P एंड Q, P एक तो तीन। चूज द ऑड, P ऑड पर है, T ऑड पर है, S इवन है, Q ऑड पर है, V ऑड पर है। चलो एक पजल ये हुई, अब हम कौन सी, ये 10 नंबर वाली बात में, ये दो पजल इधर हैं। 8 पीपल्स रेक्टेंगुलर वाली है। 9 पीपल लिविंग डिफरेंट लाइक्स डिफरेंट फूड आइटम ब्रेड, इतना दे हैव 7 डिफरेंट एजेस। नीदर आई जे लाइक्स एग, एल इज ओल्डर देन एम बट यंगर देन जे, वन हु, ये बकवास है। 8 पीपल रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ईच कॉर्नर एंड ईच साइड ऑफ द टेबल हैज ओनली वन सीट। क्या? ईच कॉर्नर एंड ईच साइड ऑफ द टेबल हैज ओनली वन सीट, मतलब देर इज नो सीट इज लेफ्ट वैकेंट, देर इज ओनली 1%। मैं समझा ही नहीं है क्या, रेक्टेंगुलर में कैसे हैं, कॉर्नर के हैं और बीच के। अच्छा ठीक है, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। देर इज ओनली 1% बिटवीन जी एंड ई। सी डज नॉट सिट एट कॉर्नर, तो सी मिडल में बैठता है भाई। देर इज ओनली 1% बिटवीन डी एंड बी वेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ डी, ओनली वन है राइट ऑफ डी से। ठीक है, एच इज इमीडिएट नेबर ऑफ ई, एच ई साथ में है। जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, जी एफ साथ में नहीं है। देर इज ओनली 2% बिटवीन ई एंड एफ, ई एंड एफ हु इज नॉट सिटिंग एट कॉर्नर, एफ भी मिडल में है। ठीक है, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ए जी साथ में है। डी इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ सी नॉर इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो डी के साथ में है, ना सी है ना एच है। बी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, बी सी भी साथ में नहीं है। ठीक है, एफ मिडल पर है ना, एफ मिडल पर रखा, एक दो ई रख दिया, एफ इधर एक दो ई इधर रख दिया, और बोला है ई और जी में एक का गैप है, जी इधर आ सकता है और जी एफ साथ में नहीं है, तो एक और जी यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा, ये हुआ ये हुआ। एच ई साथ में है, जी डी बी डी के साथ, सी एच नहीं, बी सी साथ में नहीं, एच ई साथ में है। एच को मैं कहाँ लूँ? एच ई साथ में है, एच को अगर मैं यहाँ लेता हूँ, अच्छा ए जी साथ में है, डी पी, एक मिनट मैं और केस बना लेता हूँ। 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, ई एफ जी जी ई एफ। अब बोला है सी मिडल में है, डी बी ई एफ ए जी और एच ई, एच एक में इधर रखता हूँ, एच एक में इधर रखता हूँ, ई के साथ एच इधर और एक एच इधर, एच के साथ डी नहीं आएगा। ठीक है, डी यहाँ नहीं आएगा, डी के राइट में एक छोड़ के बी, डी के राइट में एक छोड़ के बी यहाँ आएगा। ठीक है,
डी के एक छोड़ के भी, डी एक के छोड़ के भी, डी तो डी यहाँ आएगा, डी एक छोड़ के भी इस केस में ये यहाँ हो गया, और डी 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 बी डी एक छोड़ के भी एफ मिडिल में आएगा, ठीक है, ए जी साथ में आएंगे तो ये केस गलत, ए जी साथ में तो एक इधर, डी के साथ में सी एच नहीं है तो सी इधर आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। अब इस वाले केस में देखते हैं क्या किया था मैंने, ई के साथ एच रखा था, एच इधर, डी और मुझे जी के साथ ए रखना है तो डी यहाँ नहीं रख सकता मैं, तो डी बी तो यहाँ ए आ जाएगा, डी एक बी डी इधर आ जाएगा, फिर बोला है बी सी साथ में नहीं है तो ये केस गलत, तो बी सी साथ में तो सी यहाँ आ जाएगा या सी यहाँ आएगा, तो ए जी सी और ए में दुविधा हो गई। अब कुछ हिंट है, सी मिडल पे, दोनों में मिडल ही है, बी सी साथ में नहीं है, जी एफ साथ में नहीं है, डी के साथ ना सी है ना एच है, तो यहाँ ए होगा, ये सी होगा, बन गया भाई। फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेसिंग सी, सी को एफ फेस कर रहा है, इफ़ वी अरेंज अल्फाबेटिक ऑर्डर अकॉर्डिंग स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन डी, ओके डी से इन क्लॉक वाइज देन वॉट अनचेंज, डी से ए बी सी डी ई एफ जी दो अनचेंज हैं, ई विद रिस्पेक्ट टू ए, ए है तो वन टू थर्ड टू लेफ्ट, सी देख लेता हूँ एक बार, फिफ्थ टू राइट, 1 2 3 4 5, हाँ बहुत, फोर डज नॉट बिलोंग, डी एच डी एच, ये तो एक बीच में है, एक कॉर्नर पे बी सी, एक बीच में कॉर्नर पे ई ए, एक बीच में कॉर्नर एच जी या जी एफ, कौन सा होगा, डी के राइट में थर्ड राइट में एच है, बी के एक दो थर्ड सी है, ई के एक दो तीन ए होना चाहिए, एच का एक दो तीन जी होना चाहिए, जी का एक दो तीन एफ होना चाहिए, अरे ये कैसे हो रहा है, सारे तो सही बैठ रहे हैं, डी और एच दो, बी और सी दो, ई और ए दो, एच और जी दो, जी और एफ दो, एफ मिडल, जी सेंटर, ए मिडल, सी मिडल, एच मिडल, तो ये है जी कॉर्नर पर है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन जी एंड बी, एक दो तीन, ठीक है, अब 2 मिनट बचे, हम ये फैमिली वाला कर सकते हैं, और तो कोई है नहीं स्कोप, 10 फैमिली मेंबर, नो सिंगल पेरेंट इज फैमिली, नीदर के नॉर एल इज मैरिड, ठीक है, के एल मैरिड नहीं है, एन इज मदर ऑफ आर स्पाउस, ओहो एन इज द मदर ऑफ आर की स्पाउस, क्यू इज द मदर ऑफ आर, क्यू इज द मदर ऑफ आर, एंड पी हैज ओनली वन चाइल्ड, पी का एक ही बच्चा है, वन चाइल्ड, एल इज द डॉटर ऑफ एस, एल इज द डॉटर ऑफ एस, हु इज द डॉटर ऑफ के इज ओनली सिस्टर, हु इज द डॉटर ऑफ के की ओनली सिस्टर, के अनमेरिड है तो के की कोई सिस्टर है, उसकी बेटी है, उसकी भी बेटी एल है ये कहना चाहते हैं ये, ठीक है, क्यू इज नीदर मैरिड टू एम नॉर ओ, ठीक है, एम इज द फादर ऑफ टी हु इज अनमैरिड, एम इज द फादर ऑफ टी हु इज अनमैरिड, पी इज द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ ओ, पैटर्नल यानी पिता की तरफ से, पी इज ओ,
हो, ये कैसे बनेगा भाई साहब। पी इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर, क्यू एल के एल अनमैरिड है तो के यहाँ अनमैरिड कर दिया मैंने, क्योंकि ओनली सिस्टर क्या था, आई इज डॉटर वाइज हु इज द डॉटर ऑफ केज ओनली सिस्टर, ठीक है ये भी हो गया। अगर मैं इसको आर बना दूँ यहाँ पे और ये क्यू कर दिया, के एल अनमेरिड ठीक है, रुको अभी, क्यू एम, एम इज द फादर ऑफ टी, टी अनमेरिड है, पी हैज ओनली वन चाइल्ड, अच्छा एन यहाँ पे हो गया, एन से कुछ है, क्यू का एम और ओ नहीं है कोई, और ये टाइम ही हो गया। ओ गॉड, ठीक है गाइस देखते हैं क्या परसेंटाइल आती है, 56 ही अटेम्प्ट हो पाए हमारे। तो गाइस ये है 74.58% है, मैं आपको मार्क्स दिखा देता हूँ भाई साहब, सब गलत गलत ही हुए हैं, 13 सही हैं इंग्लिश में, 5 गलत हो गए, पॉइंट में 16 सही हैं, 2 गलत हो गए, और रीजनिंग में 35 आर करेक्ट, 4 गलत है ना। तो ये रहा मेरा स्कोर और ये रही परसेंटाइल। ठीक है गाइस, ये इंग्लिश में मैं और कर लेता अगर मैं एक्सप्लेन ना करता, थोड़ा और कर लेता अटेम्प्ट वगैरह, खैर जो भी है ये तो एक प्रैक्टिस सेशन ही है हमारा एक तरीके से, तो हमें तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है, तो वहाँ तो बात करनी नहीं है हमें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा गाइस तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन कीप स्टडीइंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।